ये मुकहार के ऊपर जितना एहतमाम से आप काम करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। सबसे पहले मैं आसंता को ले लेता हूँ। बिल्कुल उसकी किनारी के ऊपर रखें आप अपनी पेंसिल को। पेंसिल के निशान को उतारने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप कलम के ख़त के बिल्कुल ऊपर चलें ताकि पेंसिल का जो निशान उतरे तो यूं लगे कि जैसे पेंसिल ही से कलम जैसा लिखा है। जब भी कोई बारीक जगह नाजुक जगह आए इसमें आपने फौरन अपना हाथ हल्का कर लेना है। बाज़ औक़ात इन जगहों को आर पार भी कर दिया जाता है और बाज़ औक़ात इसको कॉर्नर पे लाकर छोड़ देते हैं और अगले कॉर्नर से शुरू करते हैं। ये छोड़ छोड़ के करना ज़्यादा बेहतर है लेकिन मैं दोनों तरीके से कर देता हूँ। मैं ये मैंने थोड़ा सा गहरा रखा है वरना मैं इससे भी हल्का रखता हूँ और यही कहूँगा कि ज़्यादा गहरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्का ही नज़र आना चाहिए। अच्छा, अब मैंने बताया था इसके बारे में। देखिए, मैंने यहाँ पर अलीफ को पार नहीं किया, ये मैंने एक ही बनाया। बाज़ औक़ात इसका एक तरीका और ये भी है कि आप बजाय लफ्ज़ को आर पार करने के आप लफ्ज़ को यहीं से ज़्यादा जो अंदर का हिस्सा है पेंसिल से उसको ना आप पेंसिल चलाएं उस पर, जैसा कि मैं यहाँ इलेही के अंदर करता हूँ। ये आप देखेंगे, सही तरीका ये है, यही सही तरीका है। इस तरह से भी कर सकते हैं आप कि आर पार कोई लफ्ज़ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से फ़ायदा ये होता है कि कलम से भरते वक्त आप लफ्ज़ की सही शक्ल के मुताबिक कलम चला रहे होते हैं। और इसमें ये होता है कि बाज़ औक़ात एक तरफ से कलम के तरफ से पेंसिल नज़र आ रही होती कभी जो है वो, तो ये मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर नहीं है। ज़्यादा बेहतर ये तरीका है कि आप अंदर का जो एरिया है उसको ज़्यादा ना भरें। यह है जी, इसका काम हमारा ख़त्म हो गया। यह हमारा लो जो है वो लोहा बिल्कुल। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो हल्की फुल्की अगर इसकी हमें पेंसिल का निशान अगर नज़र आए कहीं हमें, तो हम उसको साफ़ कर देंगे।
ये जैसे अगर ज़्यादा गहरा हो जाए तो आप इसको ऐसे टिश्यू पेपर से हल्का सा हल्का भी कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा कहीं से आपको लग रहा है कि मसाला अगर लग गया है पेंसिल का, तो उसको आप रबड़ से मिटा भी सकते हैं। इसको एक किनारी ले लें, और कभी कभार ये भी होता है कि जैसे हम एक हल्का सा पीस काट, ये देखें साफ हो गया, यहाँ पर थोड़ा नजर आ रहा था हमें। बड़ा बचा बचा करके इसको करना होगा, लेकिन ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें। पहले तो हम काम करेंगे ताकि इसमें अब ये हमारा पेंसिल लोहात को मुंतकिल करने का काम जो है ख़त्म हो गया। ये जो हम इसको अरबी में कालब कहते हैं, और कालब के मायने होते हैं कि किसी चीज़ को मुंतकिल कर, किसी लोहे को मुंतकिल करने के लिए पहला बनाया जाने वाला लोहा। यानी कि ये फाइनल नहीं है, लेकिन इसके बाद जो बनेगा वो फाइनल होगा। तो उससे पहले वाली जो शक्ल होगी वो कालब कहलाती है। और कालब जो है वो 10 भी बन सकते हैं, 2 भी बन सकते हैं, 1 भी बन सकता है। इत्मीनान के ऊपर है आपके कि आपको किस किस कालब पर ज़्यादा इत्मीनान हो रहा है आप। अच्छा, इसके पीछे शीशा लगा हुआ है। अब आप कपड़े से कोई कपड़ा लेकर के साफ़ कर दें उसको, ताकि ये बार बार जो है ना जगह ख़राब ना करे। या फिर इसको इसकी टेप निकाल करके भी हम स्पेशल देते हैं। अब हमने कलम लेनी है और उसको अच्छी तरह साफ करना है कलम को, और जो कट है बिल्कुल उसके मुताबिक कलम का कट लेकर के हमने और इसको अब भरना शुरू करना है। मैं इसको अभी फिल वक्त एक लफ्ज़ बना करके आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि पूरा लोहा नहीं लिखूंगा, एक ताकि ये भी नज़र आए आपको, और एक लफ्ज़ मैं इसमें कोई भी लिखूंगा। तो कौन सा शर छीन लूँ, मिन लूँ, मीम ले लूँ, तो ये मन को जो है मैं इसको भरता हूँ मैं। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं इसको एक तरीका और भी है, वो ये कि बाज़ औक़ात ये इस पर हल्का सा ये पाउडर छिड़क करके इसको हल्का करते हैं, ताकि जब हम लिख रहे हों तो हमारी इंक में ग्लेसी की वजह से सिमट कर एक जगह ना हो जाए। तो इसके लिए ज़रूरी है कि ये जितना खुश्क होगा उतना ही अच्छा रहेगा। हल्का सा इसको मैंने रंगे मिन थोड़ा हल्का हो गया, और अब ये मैं कलम आराम से उस पर चला सकता हूँ। नीचे कोई नरम चीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, कोई कपड़ा, कोई चमड़ा। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर हम रखेंगे कागज़ को, ठीक है, और अब हम अल्लाह का नाम लेकर के इसको लिखना शुरू करेंगे। क्योंकि ये इस फन का ताल्लुक रूहानियत से बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हम जितना अल्लाह का जिक्र करें, ज़रूरी नहीं कि हम आवाज़ से करें, जितना दिल में इसका जिक्र अल्लाह का करें और अल्लाह से मदद मांगते हुए करें, इंशाल्लाह हमारा काम अच्छा होगा। देखिए, यहाँ मैं पेंसिल भूल गया हूँ लगा करना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर आप भूल जाते हैं तो उसमें आप हाथ के हाथ
कर भी सकते हैं।